भजन में शिव का नाम नहीं, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में शिव का नाम नहीं, उस भजन को गाना चाहिए। और अच्छे से करूंगा, थोड़ा और दे दे, थोड़ा और दे दे। कहते कहते वो जमा कर रहा है, और जिसके पास में जमा है वो अपने आप की पैसे जमा पैसे को खर्चा कर रहा है, पर जिस दिन पूरा खर्चा हो जाएगा उस दिन उसकी भी नैया डूब जाएगी। सुतदारा गृह लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत समागम हरि कथा तो तुलसी दुर्लभ दोए। सुत यानी बेटा, दारा यानी पत्नी, ग्रह की लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, इसलिए अगर आपके जीवन में कथा मिल जाए तो जीवन की व्यथा नष्ट हो जाती है। कथा यानी नोट्स। इतने सारे टीचर्स हैं, सब टीचर हैं ज्यादातर, आयोजकों में भाग दौड़ करने वाले। और टीचर लोग क्या करते हैं, साल भर पढ़ाते हैं और एक दिन एग्जाम लेते हैं, बराबर है ना? बराबर। वर्ष पर्यंत त्याच पुस्तकातलं ते शिकवतात आणि त्याच पुस्तकातले प्रश्न काढतात आणि मग ते लोकांना देतात। उसी पाठ्यक्रम में से बच्चों को पढ़ाते हैं और उसी में से निकाल कर करके बच्चों को क्वेश्चन रख दिया जाता है, सवाल रख दिया जाता है कि इसका जवाब लिखो। यानी पहले आपको जवाब दिया गया है और बाद में सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार भगवान, आप जो दुखी हो, परेशान हो, कष्ट में हो, अत्यंत दीनहीन अवस्था में हो, भगवान पहले सवाल के जवाब ग्रंथों से देते हैं, संतों से देते हैं, सत्संग से देते हैं, कीर्तन से देते हैं, और फिर जीवन में कोई सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए याद रखना, जो लोग नित्य सत्संग करते हैं, नित्य पढ़ते हैं, नित्य चिंतन करते हैं, उनको सवालों के जवाब जिंदगी भर मिलते रहते हैं। और जो लोग कभी सत्संग में नहीं आते उनको सवालों के कोई जवाब नहीं मिलते। कथा में हर लोग सुनते हैं, आजकल उपाय पुराण ज्यादा चल रहा है, तो उस उपाय पुराण में कई लोग ये देखते हैं कि आज का ही सांग बाबा नहीं, आज का ही सांग दिवाला वाले सांग का, आज का गायले चारा खावल सांग का। ज्यांनी नाही ऐकलं असेल तो दुसऱ्याला विचारतो, आज काय, आज का सांगा, आज काय सांगा। तो मनुष्य बार बार जो सुनता है ना, उसको अगले दिन की चीज पता होती है। इसलिए भगवान की कथा को जो नित्य सुनेगा वो भाग्यवान है। अरे साहब, रावण के जमाने में राम हुआ करते थे, राम को तो रावण ने देख लिया लेकिन राम को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने जीवन में सत्संग नहीं किया। कंस के जमाने में कृष्ण थे लेकिन कृष्ण को वो जान नहीं पाया, क्योंकि उसने सत्संग जीवन में नहीं किया। इसीलिए लक्ष्मी तो उनके पास भी थी, रावण के पास में धन था, रावण के पास बुद्धि थी, रावण के पास त्याग था, रावण के पास तपस्या थी, लेकिन रावण के जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए उसका कल्याण नहीं हुआ। जिसको जीवन में कल्याण करना है उसे सत्संग जरूर सुनना चाहिए। 88,000 ऋषि मुनि अत्यंत प्रेम भाव के साथ में भगवान की बड़ी पावन कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, दृढ़ संकल्प लेकर के बैठे हैं और बड़े प्रेम के साथ में श्रवण कर रहे। आइए हम भी बड़े प्रेम भाव के साथ कथा को श्रवण करें, क्योंकि कथा श्रवण करने का भी एक तरीका होता है। कथा जब हो तो कथा का वक्ता और श्रोता चुनना चाहिए। लोग वक्ता चुनते नहीं है सही तरीके का, इसलिए भी कथा में गड़बड़ी होती है। कथा का प्रमाण है कि कथा वक्ता चुनना चाहिए। आजकल वक्ता ज्यादा चुनते हैं और वक्ता कम चुनते हैं। ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो फक्त ग्रंथ ठेवाव, ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए। ग्रंथ विद्या का देने वाला है, सरस्वती है, शारदा है। पर सिर्फ पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया जो पढ़ करके बोल देवे वह वक्ता नहीं होता। जो सिर्फ कान में हेडफोन लगा एक वक्ता ने बोला वैसा कैसेट सुन लेवे और वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट मार कर करके आस्था संस्कार चैनल लगाने का और वैसे का वैसा सुन लिया और वापस उसको कॉपी पेस्ट मार दिया, वो काहे का वक्ता। वक्ता का चयन करने के लिए कहा ग्रंथों ने कि दिन चयन करना चाहिए, वक्ता का चयन करना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए उसका वर्णन ग्रंथों में, हर ग्रंथ में दिया हुआ है। हम लोग उस तरीके के ग्रंथ के अनुसार वक्ता चयन करते नहीं है। वक्ता का वर्णन किया गया है,
चाहे आप भागवत करो, चाहे देवी भागवत करो, चाहे शिव पुराण करो, चाहे गणेश पुराण करो, जब ग्रंथ पढ़ने की बारी आ जाए तो वक्ता कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन शिव पुराण के और अन्य ग्रंथों के पन्ने पहले पहले पर्यायों में दिया गया है। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता का योति निस्पृह। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, वह वैष्णव होना चाहिए। विरक्त यानी कि उसके मन में पैसे 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 किती घेणार किती घेणार। आम्हाला सरांनी सांगितलं, सगळे टीचर लोक आले यांनी सांगितलं, महाराज कितला लिशात तुम्ही, किती घेणार? आम्ही म्हटलं आम्ही ठरवत नाही, काळजी करू नका, यांचे एवढे त्यांचे तेवढे त्यांचे तेवढे आणि बाकी तुम्हाला जे मला द्यायचं। नाही नाही नक्की सांगून द्या। बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले ना भीख। मांग मांग करके भीख भी नहीं मिलती और बिना मांगे मोती भी मिल जाता है। भगवान की कथा को जो बेचे वो कथा वक्ता नहीं है, वो तो विक्रेता है, और वक्ता कभी नहीं हो सकता। कथा को बेचने वाली चीज नहीं है। सम्मान के साथ में जो दक्षिणा दी जाए, उसको आदर के साथ में जो ग्रहण करे, उसका नाम है वक्ता। तो विरक्त होना चाहिए। जिसके मन में पैसे का लोभ होगा उसके दिमाग में वही चलता है, कथा में कितना माल मिला, इतना मिला, इतना मिला, इतना, लंबी चौड़ी लिस्ट चलती है उसकी। कथा कम व्यथाएं ज्यादा, फालतू चीजें इधर उधर की बातें ज्यादा, इसको ये मिला उसको वो मिला ऐसा मिला वैसा मिला। अरे क्या मिला नहीं मिला, भगवान की कथा है, भगवान की कथा को कथा के अनुसार करना चाहिए। भगवान की शिव पुराण आजकल कम होती चली जा रही है और सब लोग उपाय पुराण की झंझटों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में तो उतना ही माल भरा पड़ा है। आधा घंटा एक घंटा भजन करो, आधा घंटा मंगलाचरण करो, आधा घंटा किसी के पत्रिका पेपर पढ़ो, आधा घंटा इधर उधर के बातें करो, बस शिवपुराण समाप्त। शिवपुराण के नाम पर आधा घंटा की शिवपुराण कथा होती, कथा में का कोई तत्व नहीं होता। ज्ञान होना चाहिए, हर जगह उपाय शिवपुराण में दिए गए हैं और उसकी मर्यादा दी गई है और उसको मर्यादा तक सुनना भी चाहिए। मैं श्रोताओं के लिए भी कहना चाहता हूं, वक्ता भी वैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव भक्त होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, गांव में कथा हो रही थी, गावातले जुना गावात खेड़ा गावात कथा असायची ना पहिले, तर खेड़ा गावातला जेवाई कथा असतात त्या कथेमध्ये काय व्हायचं, जुन्या काळात पुराने समय में तो कथा प्रवक्ता बैठता था कथा में और माताएं बहने सप्तधान्य लेकर के जुन्या काळात एक सूप लोग यायचे, सूपावरती थोड़ा गहू थोड़ा तांदूळ थोड़ा चावल थोड़ा गेहूं थोड़ा दाल थोड़ा ये वो ऐसा लेकर के आते थे और कथा प्रवक्ता के आगे कुछ तगारियां रखी होती थी, कुछ पात्र रखे होते थे और चावल लाया है तो थोड़ा चावल चावल वाले में डाल दिया, थोड़ा गहू गहू वाले में डाल दिया, थोड़ा दाल असं करतात ना बरेच लोक, भाद्रपद महिन्याची कथा असते तेव्हा करतात बरेच लोक। तो एक प्रवक्ता आता था वो कहता था वो, पर कभी कभी कुछ माताएं है ना, सबसे पहले तो धन्यवाद उन माताओं का जो बिल्कुल 7:15 आ गए। एक बार मैं उनके लिए मैं खुद ही ताली बजाता हूँ, मला कौतुक वाटतं। आमचे सर लोक म्हणे गुरुजी आज है ना माता भगिनींना यायला वेळ लागतं म्हणून तुम्ही 8:30 कार्यक्रम सुरू करा। म्हटलं नाही, होत्या मॅडम पण होत्या वरती, म्हटलं कौतुक त्या लोकांचं आहे जे पहिलेपासून आले, जो पहिले से आकर के बैठा है उनके लिए पीछे वालों के आने के लिए कथा रोकी नहीं जाएगी, कथा समय से शुरू होगी। मैं उल्टे जल्दी कर रहा था, जल्दी जल्दी साउंड सेटअप लग जाए, जल्दी सब लोग बैठ जाए और जल्दी कथा आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि बेचारा आज जो जल्दी आया है कल उसके मन में लगेगा जाओ दे महाराज तो लेटत करते मंगल दिन अपन भी आराम से जियो। कथा प्रवक्ता उन लोगों के लिए बैठता है जो सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता है। बीच में आने वाले तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पीछे से आते ना कभी कभी वो जल्दी करके घाई में आगे बैठते हैं तो ये मांगते हैं पंतिल जागा पाई जिल पुड़ ली, अरे दिमाने वाले जागा रे, अरे अरे ऐसा ऐसे होते कई कई रिजर्वेशन कोटा। तो कुछ माताएं आती थी दाल चावल लेकर के आती थी उस गांव में, एक पंडित जी कथा करते थे और जल्दी जल्दी में पीछे से आती थी वो और बैठना आगे होता था, तो जल्दी जल्दी में क्या करती थी, कथा शुरू हो गया कथा शुरू हो गया तो दाल को चावल में डाल देती थी, चावल को दाल में डाल देती थी गलती से, ऐसे कई बार हो जाता। तो घर की पंडितानी परेशान, बाम निंताई मैंने खाओ, एक तो काही लईतच नाही बरोबर, काही चिल्लर चिल्लर उचले लईतच,
चिल्लर उठा करके लाते हो, कॉइन उठा कर लाते हो, कुछ अच्छा ठीक ठाक से लाता नहीं आता। अरे चावल भी लाता है तो कभी कोई इधर का चावल, कोई बासमती लाता है, कोई राशन का लाता है, सब मिक्स कर डालते हो। और कम से कम चावल भी लाना है तो सही सही से लाओ ना, दाल मिक्स है उसमें, उसमें गेहूँ पड़ा हुआ है, इसमें काय निवड़ाओ लगता हमारा, काय थक भरपूर थकवा हो तो बाबा ना करना तांदुए ना, कहीं भरोसा रात नहीं कौन था तांदुए बेटे तुम ले खावा ले कहीं सांगते कोनी बासमती डाकस कोनी काय डाकस कोनी काय डाके कहीं सांगता इतना। बामन बामनिन भाई बलती परेशान, वो ब्राह्मणी बड़े परेशान। उसने कहा देखो खबरदार, एक तो मैं तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, बहुत मुश्किल की बात है, और उसमें भी ये परेशानी अगर लेकर के आओगे तो आगे से मैं चुनने वाली नहीं हूं। त्या ब्राह्मण आते डोक्यात घुसल, उस ब्राह्मण के दिमाग में घुस गया दाल दाल में डालना है, चावल चावल में डालना है। दिमाग में क्या है? दाल दाल में डालना है, चावल चावल में डालना है। नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि, दूसरे दिन की कथा शुरू हुई। नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा कि भगवान शंकर जी का तत्व क्या है। इतने में वो पीछे से आने वाली दाल चावल डालने वाली आई गई, टाकना रोदी तेवड़ा मातिल ध्यान माई के बामन बामनिन भाई ने काय सांगेल होती, बाई को काय मन रही थी। सूत जी ने कहा कि दाल दाल में ही डाला करो, चावल चावल में ही डाला करो। तो जो लोग लोभ रखेंगे वो लोग लोभ की ही कथा करेंगे, भगवान की कथा कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए विरक्त तो वैष्णव होना चाहिए, गुरु दीक्षित होना चाहिए, गुरु की दीक्षा लिया होना चाहिए। वैष्णवो विप्रो ब्राह्मण ही होना चाहिए। ग्रंथ का प्रमाण है कीर्तन कोनीपन कराव, कीर्तन कोनीपन कराव, सत्संग भजन कोनी ही कराव, पण कथा फक्त ब्राह्मणानेच करावी, हे शास्त्राचं प्रमाण आहे, ये ग्रंथ का प्रमाण है। क्योंकि ब्राह्मण को शास्त्रोक्त परिभाषा मालूम है, ग्रंथ में शास्त्र की परिभाषा कही गई है, वेदों की परिभाषा कही है, और वेद की परिभाषा जिसको समझ में नहीं आती, जो गुरुकुल में नहीं गया है, जिसने फटके नहीं खाए है, वो गुरुकुल के जाए बगैर कोई वक्ता अगर कथा करने लग जाएगा तो वो गड़बड़ करेगा, इतनी बात याद रखने का। क्योंकि वेदों की परिभाषा जिलेबी की जैसी है, संस्कृत जिसको समझ में आती है वह संस्कृत का मूल अर्थ निकाल सकता है। एका विद्यार्थ्याला सांगितलं सांग रे तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा सद्गमय, याचा अर्थ सांग, बोल इसका अर्थ बता, तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा सद्गमय। उस विद्यार्थी ने अर्थ निकाला, तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के घर जा रहा हूं। अरे जे शब्दशा दिसतात तसं संस्कृताचा अर्थ नसतो, म्हणून गुरुकुलामध्ये फटके खाऊन जे विद्यार्थी तयार होतात तेच भगवंताची कथा सांगण्यास निपुण असतात, म्हणून ब्राह्मणानेच कथा करावी, बाकी कीर्तनकारांनी कीर्तनच करावं। हे ग्रंथाप्रमाणे मी स्पष्ट सांगतोय, जे कीर्तनकार कथा करतायत ब्राह्मण व्यतिरिक्त ते तुम्हाला फसवतायत नक्की। तुम्हाला जर समजायचं असेल तर ग्रंथाचं शिवपुराणचं ओरिजिनल प्रती आणा, आणि ओरिजिनल प्रती आणून तुम्ही त्याच्यातलं पहिल्या पानावरचं पहिले अर्थ गीताप्रेस गोरखपूरचे ग्रंथ आणा, त्याच्यात त्याच्यात अर्थही दिलेला असतो, प्रश्न का उत्तर दिया होता है, संस्कृत का अर्थ निकाल के बताया गया होता है, उसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए। तो वो लोग फंसा रहे, मैं विरोध नहीं करता, कीर्तन होना ही चाहिए, कीर्तन से सत्संग से ज्ञान अर्चा होती है, और सत्संग कीर्तन होने से लोगों को जागृति मिलती है। 2 घंटे का जब कीर्तन होता है, पर कीर्तनकार भी कीर्तनकार ही जैसा होना चाहिए, या कीर्तनकारांच्या याच्यामध्ये सुद्धा किती विद्वान लोक आहे, खूप चरण स्पर्श करावं असं वाटतं। मी पण किती कीर्तनकारांच्या मध्ये जाऊन बसतो तेव्हा असं वाटतं काय नमस्कार करावा, काय सुंदर ज्ञान सांगतात ते लोक, बहुत अच्छा बताते। पर कभी कभी कोई कीर्तनकार सिर्फ नक बढ़ा कर करके, बड़े बड़े नक बढ़ा करके, लाली लिपस्टिक लगा कर करके कीर्तन करता है, तो उसकी कीर्तन भी मूर्खता का लक्षण दिखने लग जाता है। टिंगल टवाळे करने साठी कीर्तन नहीं है। पहले तुकोबा रायांनी कभी ही कीर्तनाचे अभंगाचे 4 चरण सांगताना कभी टिंगल टवाळ्यांच्या गोष्टी नव्हत्या केल्या, ज्यांच्या डोळ्यातना अश्रू पडत नसतील ते कीर्तन काय कीर्तन है। और जिस कथा में से ज्ञान न मिलता वो कैसा कथा है, वो कैसा ज्ञान है। इसलिए कथा में से ज्ञान ही होना चाहिए, और कीर्तन में से भी भक्ति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, नहीं तो किसी भाव का नहीं। जर तुम्हाला नाटक तमाशेच करायचे असतील तर त्याच्यापेक्षा ते महाराष्ट्र हास्य जत्रावाले त्यांना घेऊन या ना स्टेजवरती कार्यक्रम करायला। जर हसवायचंच असतील कीर्तनांमध्ये तर हसाने का प्रमाण आहे,
उस हसाने में भी, उस व्यंग में भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वो व्यंग भी किसी काम का नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा है कि जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में गुण और ज्ञान नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में शिव का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में शिव का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलो राम राम राम, बोलो राम लाल, बोलो राम राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। पुरुषार्थ की बारी, राम राम राम। महिला जी, बोलो राम राम राम। हाँ, इकड़ों लता दीदी आई पे, इकड़े मन्नाडे आई पे, एक साथ चाल आता अभी सभी साथ। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम सिया राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम सिया राम। माने हमको जन्म दिया दिल उसका भेद बताना ना चाहिए। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, काहे पत्नी इतनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि क्यों नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पत्नी के पेट में कोई बात बचती नहीं है। माइत पढ़ना ना मंदिर ना खानदान टाइम लिए कदा सोना ना अंडा बैठना दिल सांगी दी ना गरमा खाओ सांगू ना कोबर का कौन ले पोटा दुख है लग ला कौन ले सांगो हाँ मन बहन ले सांगी दे जत्ती बर बर मन मटे अब तुम पाव ना बैठना बर का सोना ना अंडा सोने का अंडा मिला पत्नी उसको अपनी बहन को बताती अब बहन भी तो स्त्री है उसके भी पेट में जब आग लगने लग जाती है बहन नहीं सांगित कुणाला नहीं सांगायची आता कुणाला सांगू माझी मैत्रीण जवळ ती ती कुणाला सांगणार नाही मैत्रीण सांगितलं आणि गाव मा गलगलाच गलगला बडा इनकम टॅक्स ऑफिसर ही गेन बडा माल लाइसन चालना गया इसलिए चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना चाहिए ओ Oh,
से सर पर बिठाना ना चाहिए। ये बोलता है एक राजा तो बसा माता एक लौता एक होता है बहुत ज्यादा माथे पे चढ़ता है मनु दोन रावल पाइल तीन रावल पाइल चार रावल पाइल पर कमी ना हो। एक लौता एक घर में जिसका जिसका है वो ज्यादा माथे पर चढ़ता है। चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सर पर बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में प्रभु का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में गुण और ज्ञान नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। इसलिए कथा वक्ता भी उचित होना चाहिए जो सही तरीके की बोले। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो व दृष्टांत कुशल होना चाहिए। अगर संस्कृत की भाषा समझ में नहीं आए तो उसको साधारण भाषा में समझा कर करके बताने वाला चाहिए। धीर गंभीर होना चाहिए। सिर असैला भाई जन दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता का आयोति निस्पृहा व निस्पृह स्वभाव का होना चाहिए। यह बड़ा सुंदर वर्णन वक्ता का बताया गया पर वक्ता के बाद में अब श्रोता का भी नंबर आता है। वक्ता तो हो गया अब श्रोता का नंबर है। श्रोता कैसा होना चाहिए
श्रोता को नियम होना चाहिए कि वो सबसे पहले कथा के मध्य में आए, और श्रोता का नियम ऐसा होना चाहिए कि वो बड़ा ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा में बैठे। शरीरा ने कितने लोगों को बसले रास्ता तन मना ने बसत नहीं। कईयों का मन यहां होता है और शरीर कहीं और होता है, कईयों का शरीर यहां होता है पर मन कहीं और होता है। बताओ भला किसका होगा? जिसका मन यहां है और शरीर कहीं और है उसका भला होगा, या जिसका शरीर यहां है और मन कहीं और है वहां पर होगा भला? ना। एक आदमी सत्संग के लिए बुला रहा था एक भगत को। अरे भैया चल सत्संग करने जाते हैं, सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। उसने कहा नहीं भैया मैं तो यहीं रहूंगा और मैं अपने मित्रों के साथ बैठूंगा। मित्रों के साथ वह बैठा जुआ खेलने के लिए, पत्ता खेलने के लिए, और दूसरा आदमी सत्संग में कीर्तन में जाकर के बैठा। अब वो पत्ता कूट रहा है, पर पत्ता कूटते कूटते उसने मन में विचार किया, चला जाता कीर्तन में तो अच्छा था, पत्ते कूटने का काम तो रोज ही करता हूं, कीर्तन में चला जाता तो अच्छा था, पर अब समय हो गया नहीं जा पाया। वो कीर्तन में क्या करता होगा, नाश्ता होगा क्या, ध्यान लगा करके बैठा होगा या प्रसाद ले रहा होगा, क्या कर रहा होगा, आरती कर रहा होगा, उसके दिमाग में कथा का विषय चल रहा है। और जो कीर्तन में बैठा था वो मन ही मन सोचने लगा जाओ दे कीर्तन ले तो कहे जात रहा, आज पत्ता कुटल थामी जाता तो भर रहा था, आज जुआ खेलने के लिए बैठ जाता तो बड़ा अच्छा होता। इतने में भूकंप आया और सभी लोग वहां के गोविंदाय नमो नमः हो गए। बताओ स्वर्ग कौन गया होगा? स्वर्ग गया कौन होगा? भगवान नारायण के धाम गया कौन होगा? पत्ता कूटने वाला गया होगा क्या? सत्संग में बैठने वाला व्यक्ति गया होगा? कौन गया होगा सत्संग में? नहीं ना। कौन गया होगा? पत्ता कूटने वाला गया होगा, क्योंकि वो पत्ता कूटते कूटते भी भगवान का ध्यान कर रहा था कि कैसे सत्संग चल रहा होगा, कैसा विचार चल रहा होगा। और जो व्यक्ति कथा में बैठा था पर जुए का विचार कर रहा था कि मैं आज पत्ता खेल लेता, उसको यम महाराज पकड़ के ले गए। अरे कथा में बैठ के भी तेरी बुद्धि इतनी ऐसी है, चल तू इतने थामू शकत नहीं, चल। इसीलिए कथा में बैठना ज्यादा जरूरी नहीं है, कथा में किसका मन भगवान की कथा में ज्यादा स्थिर भाव से लग रहा है वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए कथा श्रोता का मन भगवान की कथा में लगना ही चाहिए। शरीर के रूप से दिख जाओगे अरे ते बाजू वाला जाहिर अनाथ में भी मन जाए संबटस दगोते आज कौन था बाबा जी ले कसा देख कसा सांगस कसा बोलस कैसा बोलता होगा वो देखने के लिए कई लोग जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलने वाला आज कहीं मजा नहीं होने का, अरे कहीं कथा मजा ले वाले हा? मजा ले वाले जमाना भरना वस्तु छे, कथा कहीं मजा ले वाली वस्तु है? कथा तो आनंद लेने के लिए, कथा तो ज्ञान लेने के लिए, कथा तो वैराग्य धारण करने के लिए। इसलिए कथा में आओ तो मन में एक भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संगम लेकर के चले आना, ये भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थिर रखना ये श्रोता का सबसे पहला नियम है। और भागवत जी रामायण में अन्य अन्य ग्रंथों में लिखा गया है, उसमें तुलसीदास जी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बनीरा गद गद गिरा नयन बनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा ज्याच्या डोळ्यातनं प्रेमाचे अश्रू पडत असतील, ज्याचे कंठ अवरुद्ध झाले असतील, जिसके शरीर पर रोमांच आ गया होगा वह मेरा सच्चा भक्त है, सच्चा श्रोता है, कथा सुनने वाला। इसलिए कथा श्रोता को ऐसा ही ध्यान लगाने वाला चाहिए। कथा श्रोताओं में भी तीन प्रकार के श्रोता होते हैं, एक होता है सोता, दूसरा होता है सरोता, और तीसरा होता है श्रोता। कौन कौन असतात? एक असतो सोता, पहिली लाईन मा बटी पण डोलक्याला वाल लागे जाय पहिला टाइम,
लोगों को घर में नींद नहीं आती, घर में 12-12 एक एक दो दो बजे तक टीवी देखते तब नींद नहीं आती, पर जैसे कथा के सत्संग में बैठने लग जाए तब नींद आने लग जाती, लोग डुल के अंत्या जॉब लेना रहा पहला लाइन में जास्त कर बैठते कहते देखी देखी हमना कलाकार ले भी जॉब लागे लागे जा। दूसरा होता है सरोता, वो खुद भी नहीं सुनता और दूसरे को भी सुनने। सरोता किसको कहते पता है, सुपारी काटने वाला होता ना अड़कित्ता, त्याला हिंदी मध्ये म्हणतात सरोता। तो कतर 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 चालूच राहते, खाओ साडी कोटे ना हिंदी बलती बारिश। अरे मन माय कथा आहे ना तुझी साडी दिन काय लेना देणार, नंतर पत्ता काढले जो जुगल वहीन लिहिले का आकाशदीप वहीन लिहिले त्यातले पैसा नाही दिले मला का मालूम सांगायला। जिस काम के लिए आए हो, जिस चिंतन के लिए आए हो, वो करना छोड़ करके इधर उधर की बातें। आज कापूस ना काय भाव होता, अरे मग तथे बाहेर ले जाए तड़े कापूस ना भाव टा राहत रहा, घर में बच बच बरी डेले जवे भाव वाड़ी तवे गाड़ सुख बने बाहर। पर उस कपास को घर पे रखो, यहाँ पर भगवान की कथा को लेके आओ, भगवान का चिंतन लेके आओ। सबसे अच्छा होता है श्रोता जो बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुनता है, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मंडप कैसा बना है, डेकोरेशन कैसा हो रहा है, झांकी बनी है क्या नहीं बनी है, कैमरा मना कर ही रहना का नहीं रहना, बाकी कितना लोग के भक्त कितना भारी दादत माई थी इसका, बाकी टाइम ले दांत चावत रही, दांत में काटा के सुनते गान काटत रही, हाँ जब कैमरा फिरना था हमें चौकीदार वरते बड़ी जन देखी रहना कौन कौन खर खरा महादेव ना ध्यान लाए रहना, कौन सही तरीके से ध्यान करता है चिंतन करता है, हम लोग देखते हैं ऊपर बैठे बैठे, हमको पता होता है कि सच्चे मन से कथा सुनने वाला कौन होता है। कथा वक्ता को इसलिए ऊंची गद्दी पर बैठाते चौकीदारी करने के लिए कि कौन दिल से कथा सुन रहा है और कौन फालतू बातें कर रहा है इधर उधर की, बराबर है ना, इसलिए उसको सब पता है यहां से लेकर के आखिरी तक। वो उधर वाले ग्राम पंचायत का ऑफिस है क्या पीछे, आखिरी क्या स्कूल है वो, उधर जो सीढ़ियों पर कुछ भाई लोग बैठे वो भी मुझे दिख रहे हैं यहां से आखिरी क्षण तक, पंत नदी किनारा मां जैसा मां साठी पलबटते तसा बटे देते मंडप में ये बटा ना काका सोनी। कथा वक्ता को सब दिखते हैं, रोड पर कौन खड़ा है, इधर कौन खड़ा है, इधर कौन जा रहा है, उधर कौन भाग रहा है, सब दिखते हैं, चौकीदार है वो। क्योंकि वक्ता का भी काम है काक चेष्टा बको ध्यानम, उसकी काक की जैसी चेष्टा होती कौवा कैसा होता है इधर इधर, तो कथा वक्ता को भी सबके तरफ समान दृष्टि से देखना पड़ता है, इधर के एक अकेले की तरफ ध्यान देकर के कथा प्रवक्ता नहीं कथा कर सकता, उसको इधर भी ध्यान देना है, उधर भी देना है, उधर भी देना है, उधर भी देना है। सीसीटीवी तो फिर ना डोका फिर सीसीटीवी का सर आता था बट रिकॉर्ड कर सकता। तो इसीलिए बड़े प्रेम भाव से भगवान की कथा सुनो और उस पावन कथा को सुनते सुनते आइए बड़े प्रेम भाव के साथ में भगवान की सुंदर कथा में प्रवेश करें। ठाकुर जी के दरबार में बड़े प्रेम के साथ भगवान शंकर जी का स्मरण करते हुए, शंकर जी का ध्यान करते हुए, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम Oh
देखो जब आप जयकार करते हो ना तो भगवान के दरबार में हाजिर लगती है। चिंटू प्रेजेंट, मिंटू प्रेजेंट, ऐसा बनते हो चाड़े में अपन हाजिरी। आज का मास्टर लोग के डोका में घुस जाए, पहले मास्टर लोग के बेटा लाग गया मास्टर, मास्टर नहीं गिराना उदाहरण भी मास्टर लोग इतना नहीं गिराना माने इतना मास्टर बैठना माले खरच कौतुक सगळ्या सगळ्या सरांसाठी टाळी होऊन जाऊ द्या एकदा, खरच कौतुकास्पद आहे। बघा जो शिक्षक अध्यात्माच्या मार्गावरती आहे तोच खरा विद्यार्थ्यांना घडवू शकतो, बाकी ग पासून गदडे शिकवणारे गदडेच्या गदडेच असतात, ते कधी देवाचा धर्माचं नाव समजू शकत नाही। ज्याला देव धर्माचा भावना समजते तेच शिक्षक येणाऱ्या भविष्याच्या पिढीला बनवू शकतात। जो ग पासून गणपती शिकवतो तो शिक्षक कामाचा आहे, जो ग पासून गदडे शिकवतो ते शिक्षक काय कामाचे आपल्या। म्हणून सगळ्या शिक्षकांसाठी कौतुकास्पद विषय हजेरी भरा भगवंताच्या दरबारामध्ये, जयकारामध्ये हजेरी आहे। तुम्ही जेव्हा असे टाळी वाजवतात ना असं वाटतं सगळे आकाशात उडलेले पक्षी आहेत, आणि सगळे पक्षी उडून चालले हिमालयावरती बघा आणि कैलाश पर्वतावरती शंकरांच्या दर्शन करण्यासाठी। खरंच तुम्ही एखाद्या दिवशी ते व्हिडिओ बघाल तुम्ही तुमचा स्वतःचा, असं वाटेल किती पक्षी उडून चालले आकाशामध्ये, सुंदर दर्शन असतं। म्हणून जेव्हा दरबारात हजेरी भरायची वेळ असेल तेव्हा हजेरी भरे भगवंताच्या दरबारात। शंकरांचा पावन दरबार आणि या शिवकथेमध्ये महात्म्य कथा पहिल्या दिवशी सांगावी असं संत परंपरा म्हणते, ग्रंथ परंपरा म्हणते। कारण की जाने बिना न होई प्रतीती, ओ बिनु प्रतीत होई नाही प्रीती। शास्त्राचं म्हणणं आहे
जाने बिना ना होई प्रतीति त्याची प्रचिती येत नाही. जोपर्यंत त्याला ओळखणार नाही त्याच्याशी परिचय होणार नाही तोपर्यंत त्याच्याबद्दल परिचय उत्पन्न होणार नाही आणि परिचय उत्पन्न होणार नाही तर त्याच्याबद्दल प्रेम सुद्धा उत्पन्न होणार नाही. मुलं आणि मुली बघण्याचा कार्यक्रम होतो पण आई पोरगी देखी ठीक आहे चाल जाईल नंतर देखसो हा कोण ती आई पी एच डी करेली आई पैसा भी कमाडी दीदी काले भी ठीक ठाक आहे चाली आई आपली जास्ती चाल जाईल हे पास कर टाका होतं का नाही असं. पहिले परिचय होतो पहिले बायोडाटा पाठवतात बायोडाटा थोडं ठीक वाटलं का मग घरी जातात मग घरी मुलीला बघायला जातात मग ते स्थळ थोडं चांगलं वाटतं मग नंतर लग्न करून मोकळे. तसंच भगवंताच्या कथेचं आहे भगवान की कथा भी वैसी है. पहले हम भगवान की कथा के महात्म्य को सुनते हैं फिर भगवान के प्रति प्रेम उसमें से ज्यादा जागृत होता है फिर हम उसकी उपासना पद्धति की ओर दौड़ करके चले जाने लग जाते हैं. इसलिए भगवान की कथा को पहले सुनो उसकी महत्ता को जानो उसके बाद में ही अगली कथा को सुनना चाहिए. तो इसके पावन कथा के मध्य में अत्यंत सुंदर परिचय आपको बताता हूँ. शिवपुराण तो मैं सुना नहीं रहा हूँ लेकिन शिवपुराण में है 24,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक और शिवपुराण में है 24,000 श्लोक. ये श्रीमद् भागवत से भी बड़ा है. शिवपुराण के लिए असल में चाहिए 9 दिन 11 दिन ऐसी वाली कथा होनी चाहिए वो भी कम पड़ेगी. जैसे सप्ताह 7 दिन का होता है सप्ताह 7 दिन का होता है ना सप्ताह तो 7 दिन का होता है वो 7 दिन में श्रीमद् भागवत कही जाती है 18,000 श्लोक है इसमें 24,000 श्लोक है इसलिए इसको कम से कम 9 दिन नहीं तो 11 दिन ऐसी परंपरा इसकी कही गई है. इसलिए हमने आज की कथा का नाम क्या दिया है काय कथेचं नाव काय दिलं शिव नहीं असं लीला काय ग्रंथावरती बोर्डवर काय लिहिलंय शिवलीला अमृत कथा है ना. शिवांची जी लीला असेल त्याचं थोडं थोडं अमृताचा पान आपण करूया कारण अमृताचे दोन थेंब जरी घेतलं तरी राहू केतू अजरामर होऊन गेले म्हणून आपण जी 9 दिवसाची 11 दिवसाची कथा आहे त्याच्यातलं काहीतरी अमृताचे शिंदळे जर आपल्यावर पडले तरी भरपूर आहे. गंगेचं दर्शन सुद्धा पुण्यदायी आहे गंगाचं नामस्मरण करणं सुद्धा पुण्यदायी आहे और गंगा नाम का स्मरण करते करते गंगा में स्नान करना भी पुण्यदायी आहे. तो जो लोग ज्यादा दिन की शिवपुराण सुनते हैं वो गंगा में डुबकी लगाने जैसा है. जो लोग 3 दिन की कथा सुन रहे हैं वो गंगा के आचमन करने जैसा है और जो भगवान का भजन शिव जी का सुन रहे हैं वो लोग दूर से गंगा गंगा नाम लेकर के दर्शन करने लायक हैं. अस्तु कुछ भी हो पर अमृत अपना असर दिखाता जरूर है. ये संसार सागर के अंदर बचाने वाला ग्रंथ सागर है. इस ग्रंथ सागर का हम लोग दर्शन करने के लिए आए एकत्रित हैं. शिव भगवान के नाम की गर्जना जहाँ हो जाती है वहाँ पर से पाप भी पलायन करके चले जाते हैं. शंकर नाम का तत्व ही ऐसा है. शंकर तत्व बड़ा अद्भुत है इस संसार का. शिव तत्व सबको समाहित कर सकता है. हर देवी देवताओं को अलग अलग चीजें प्रिय हैं पर भगवान शंकर कहते हैं कि तेरे अंदर जितना विषैली चीज है वो मुझे चढ़ा दे. देखो भगवान नारायण को कमल चढ़ाते हैं कोई लोग लक्ष्मी को कमल गट्टा चढ़ाते हैं सब देवी देवताओं के कोई कोई प्रिय पुष्प है लेकिन भगवान शंकर जी की खासियत क्या है जो फूल किसी को प्रिय नहीं वो भगवान शंकर को प्रिय है. धतूरा अरे महाराज धतूरे का 2-4 बीज किसी ने पी लिया तो जैसी आराम हो जाएगा ऊपर चला जाएगा पर शंकर कहते मुझे चढ़ा दे. भगवान शंकर कहते तेरे अंदर की जितनी बुराई है मुझ पर चढ़ा दे मेरे अंदर जितनी अच्छाई है वो लेकर के चला जा. शंकर बड़ा अद्भुत देवता है. अच्छा शंकर जी की खासियत बड़ी अच्छी है पुरुषांसाठी खास है थी.